फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय जर्नी, वेलकम टू माय लाइफ। ये जो पूरा कंटेंट है कम्प्लीटली रॉ होगा, ना कोई एडिटिंग ना ही कुछ। और मैं चाहूँगा जितना हो सके चीज़ें आपको एक्सप्लोर करा पाऊँ मेरे लाइफ के बारे में, मेरे जर्नी के बारे में। तो मैं इस चैनल में जो चीज़ कर रहा हूँ शायद यूट्यूब में कोई किसी ने आज तक नहीं किया है। बाहर का तो पता नहीं मुझे, इंडिया का शायद ही किसी ने किया है, क्योंकि आज तक मुझे तो नहीं मिला और ना ही मैंने किसी से रिकमेंडेशन ऐसे मिला है मुझे कि कोई ऐसा चीज़ करते हुए। क्योंकि आज मैं एक ऐसा चीज़ करने जा रहा हूँ, आज से शुरू नहीं किया था मैंने कुछ सालों पहले, कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले बना चुका था इस चीज़ के रिलेटेड चीज़ें, लेकिन उस चीज़ को मैंने डाला ही नहीं यूट्यूब में। तो आज से शुरू करूँगा, क्योंकि आज एक बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है। आज मैंने मेरा जो जॉब था, इंजीनियरिंग का जॉब था, उसको छोड़ दिया है। मैं एक ग्रेजुएटेड मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया था लास्ट ईयर, उसके बाद से जॉब में चला गया और सीधा 1 साल मैंने जॉब किया। मुंबई में था इतने दिन मैंने, और अभी 3 महीने से मैं घर पे हूँ, क्योंकि क्वारंटाइन है, COVID-19 का टाइम है। और आज का डेट है 4th जुलाई 2020। पता नहीं आप कब ये वीडियो देख रहे हो, चाहे 2 साल बाद, 3 साल बाद, कितने भी साल बाद देख रहे हो, लेकिन अगर ये आप ये चीज़ देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आप ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा तो मोटिवेट ज़रूर होंगे, क्योंकि आज कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और आप मेरा जो हैंडल है अभी के जितने भी सोशल मीडिया चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें जाके उस टाइम पे जब आप हो अभी, देख सकते हो कि मैंने ये चीज़ सक्सेस गेन किया या नहीं, क्योंकि सारा चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट करता जाऊँगा। मैंने पिछला भी एक वीडियो बनाया था, उसको मैंने डाला नहीं था, लेकिन वो शूट किया था मैंने मई में, 6 मई को, अभी करीब 2 महीना हो गया है। उस टाइम पे मैंने अभी देखा वो वीडियो, उस टाइम पे जो जो चीज़ के बारे में बताया मैंने, वो कम थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैंने अचीव कर लिया अभी तक। तो मुझे भी कॉन्फिडेंट आया, हाँ क्यों ना ये सब चीज़ें एक सीक्वेंस वाइज बनाता जाओ यूट्यूब में। क्योंकि यूट्यूब चूज़ किया इसका भी कारण है, यूट्यूब चूज़ किया इसलिए कि ये सब वीडियो मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त लोग, फैमिली लोग देखें, और यूट्यूब ये सब चीज़ें नहीं कराता। अगर इंस्टाग्राम पर डालो, फेसबुक में डालो, तो लोगों के पास वो चला जाता है फीड में, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये सब चीज़ें किसी और को दिखाऊं मैं। अगर वो आएंगे ऑर्गेनिकली तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मैं कंटेंट पुट करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे विजन थे, मेन जो विज़न है वो है डिजिटली कुछ चीज़ करना, डिजिटल फील्ड में कुछ चीज़ करना। और मेरा जो पैशन है वो है ऑटोमोबाइल। तो मैं जो अभी कंपनी में था वो ऑटोमोबाइल फील्ड का नहीं था, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। कल ही मैंने रिज़ाइन दिया कंपनी से, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तो अभी 1 साल कंप्लीट हो गया कंपनी में। तो अभी मेरा जो मोटिव है वो है पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना, डिजिटल फील्ड के ऊपर काम करना। जैसे वेबसाइट्स है, सबसे पहला हो गया इंस्टाग्राम, उसके बाद यूट्यूब, लिंक्डइन, इन सब वेबसाइट में बहुत अच्छे से काम करना। फेसबुक का ऑर्गेनिक रीच बिल्कुल डाउन है, तो मुझे नहीं पता उसमें कितना ग्रो हो पाएगा। लेकिन एक ऐसा था ऐप जिसका ऑर्गेनिक रीच सबसे ज़्यादा था, और जिसने हमारे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया 29 जून से। तो क्यों बैन किया, उसका रीज़न है बहुत सारे, क्योंकि वो चाइनीज़ ऐप है और चाइना के साथ इंडिया का जो हालत है अभी बहुत ख़राब है, बॉर्डर में बहुत ज़्यादा ट्रबल चल रहा है। और वो ऐप है टिकटॉक। टिकटॉक में मेरा जो स्टार्ट किया था मैंने, आज से शायद मैंने उसका वीडियो डाल के रखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, कंप्लीट 14 डेज़ का जो कॉन्टेंट है, 14 डेज़ का जो मेरा जर्नी है उसको मैं डाला, और बहुत ज़्यादा मुझे ग्रो मिला 14 डेज़ में, सारा एडुकेशनल टॉक रिलेटेड कंटेंट में। तो आपको मैं बताता हूँ अभी क्या क्या चीज़ें मेरा हैंडल है, अभी कौन कौन से हैंडल मैं यूज़ करता हूँ, और मेरा जो मोटिव है वो चीज़ मैं अचीव कर पाता हूँ या नहीं। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ज़रूर मेरे हैंडल में जाके चेक करना, मेनली मेरा जो हैंडल है उसमें जाकर ज़रूर चेक करना कि मैंने अचीव किया या नहीं, ज़रूर आपको मोटिवेट ये चीज़ को ज़रूर करेगा। और ये जो अकाउंट है इसका नाम क्या अभी तक मैंने नहीं सोचा, सोच के अपने के बाद ही लगाऊंगा कोई नाम। तो अभी चलते मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए इसके पहले मैं दिखाता हूँ मैं शूट कैसे करता हूँ वीडियोस को। अभी तो मैं ऐसे हैंड से कर रहा हूँ शूट, मेरे पास ट्राइपॉड वाइपॉड कुछ चीज़ें नहीं है और ना ही कोई लाइटिंग है। तो मैं क्या करता हूँ शूट करने के लिए, ऐसे मोबाइल का जो कवर है इसको यूज़ करता हूँ, इसमें डबल साइड टैप लगा दिया मैंने, और यहाँ पे जो मेरा स्विच बोर्ड है इसमें मैं चिपका देता हूँ इसको, तो चिपका के इससे वीडियो शूट कर लेता हूँ इजीली। ये देखिए ये चिपक जाता है इसमें, अभी ग्लू ख़त्म हो गया इसका, तो इससे मैं शूट कर लेता हूँ। और लाइटिंग के लिए भी नॉर्मल जो लाइटिंग आती है ये यूज़ करता हूँ, वैसे ये नॉर्मल बेसिक सा है, मैं चाहता हूँ तो खरीद सकता हूँ, लेकिन इससे काम चल जाता है, थोड़ा येलो येलो टाइप का आता है लेकिन वो मुझे अच्छा लगता है अभी के टाइम पे, तो मैं शूट कर लेता हूँ इससे। और अभी मैं चलता हूँ स्क्रीन में और दिखाता हूँ आपको मेरे सारे हैंडल्स जो मैं अभी एक्टिव हूँ और कितना उसमें फॉलोअर्स है, रीच कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं हूँ अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, सबसे पहले मैंने ऑन किया है यूट्यूब को, ये है मेरा ओरिजिनल यूट्यूब चैनल, ये आप देख रहे हो दास मृणमय करके अकाउंट का नाम है। इसमें मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भी मिल चुका है, वो एक्सपायर भी हो जाएगा कुछ दिनों में। तो इसमें जो मेरा सब्सक्राइबर है आज के डेट में है 4228
और आपको डेट दिखाता हूँ मैं, तो डेट ये रहा, डेट आप देख सकते हो 4 जुलाई 2020। तो इसमें मैं डालता हूँ ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियोस और हिंदी कंटेंट होते हैं सारे, और मैंने ट्राई किया था इस चैनल में अभी जिसमें आप देख रहे हो, इसमें इंग्लिश कंटेंट भी डालने का सोचा है मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्लुएंसी को थोड़ा एक्टिव करूँ, थोड़ा अच्छा बनाऊँ, इस कारण से मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले वीडियोज़ को मैं इंग्लिश में शूट करूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मैंने अभी तक 75 वीडियो डाल चुका हूँ इस अकाउंट में। तो इसको मैं यूज़ कर रहा था, एक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ मैं दिसंबर से, बहुत सारे ऐसे फेजेस आए इस अकाउंट में, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बात करूँगा ये अकाउंट के बारे में। तो इसमें बहुत सारे ऐसे फेजेस आया था मेरा, जिसके कारण से मेरा अभी सब्सक्राइबर उतना ज़्यादा नहीं है, भले ही वीडियोज़ मैंने 75 डाल के रखा है। तो अभी मैं एक्टिव हूँ, चाहूँगा कि इस सब्सक्राइबर को और ज़्यादा बढ़ाऊँ। तो अभी सेकेंड जो है ये है मेरा एक इंस्टाग्राम का अकाउंट, ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, इस अकाउंट को मैंने सबसे पहले शुरुआत किया था 2018 सितंबर में। तो इसमें मेरा अभी फॉलोअर है देख सकते हो आप 64K, और इसमें पोस्ट भी बहुत सारा डाल के रखा हूँ मैं, इसमें सारा जितने भी ऑटोमोबाइल रिलेटेड चीज़ें हैं, स्टूडेंट मोटर स्पोर्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, और इंग्लिश कॉन्टेंट मेनली इसमें है, इंग्लिश कस्टमर्स है मेरा, कस्टमर्स नहीं कंज्यूमर बोलूँगा, ब्राज़ील से, बाहर के कंट्रीज से, इंडिया से, मोस्टली इंडियन ही है। तो इसमें ये चीज़ करता हूँ कल्चर ऑफ मोटर स्पोर्ट, आगे सोच रहा हूँ इस चीज़ को मैं बहुत ही आगे तक ले जाऊँ, इस नेम को, इस लोगो को और इस जो फील्ड को आगे तक ले जाऊँ मैं। तो इसके बाद ये है मेरा मेन अकाउंट जो है दास मरीन मोय 619, ये मेरे फॉलोअर्स है 2274। इसमें मैं सारा चीज़ अभी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे कंटेंट डाल रहा हूँ अभी, ये देखिए इसमें वो टिकटॉक वाला जो बताया था मैंने आपको 14 डेज़ वाला, वो भी वीडियो डाला, IGTV वीडियो है ये। तो ऐसे सब कुछ मैं इसमें लिस्टेड कर रहा हूँ, और ये टिकटॉक के सारे वीडियोस का एक मैशअप बना के मैंने डाला था। तो इसमें बहुत सारा चीज़ है जिसको मैं कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो अभी मेरे प्रोफाइल में जाके कितने पोस्ट है अभी के टाइम पे, जिस टाइम पे आप देख रहे हो वीडियो, और कितना फॉलोअर्स मैंने अचीव किया है, कितना कनेक्शन मैंने बना पाया हूँ मैं, सब कुछ। तो इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा ये चीज़ जब आप देखोगे ये चीज़, पता नहीं कितने साल बाद, 3, 4, 5, 6 साल पता नहीं। तो ये है दूसरा है, ये है इंजन डॉक्टर नाम से, तो इंजन डॉट डॉक्टर। तो ये मैंने क्यों बनाया, मेरा जो टिकटॉक है क्योंकि बैन हो चुका है टिकटॉक, तो वीडियो कहाँ डालूंगा, इतने सारे जो वीडियो मैंने शूट किया 160-170 के करीब वीडियो शूट किया, तो सारा मैंने सोचा एक अलग सा चैनल बना के उसमें डालूं, तो ये उसके लिए है, ज़्यादा नहीं डाला है, 729 पोस्ट डाला है बस अभी स्टार्ट किया। तो इसके बाद है मेरा लिंक्डइन, लिंक्डइन में मेरा सेम है यूज़र नेम, सब में सेम है दास मिनमो 619, इसमें भी यही है दास मिनमो 619, पूरा हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इसमें क्या है, मैंने कंटेंट डालना शुरू किया 2 महीने से ही, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो मेरा सब्सक्राइब यहाँ पे कनेक्शंस था 200 के करीब, 250 के करीब। तो अभी आप देख सकते हो मेरा कनेक्शन जितना हो चुका है 761, और यहाँ पे जो मेरा ये था ना ये प्रोफाइल व्यू, ये मुझे याद है 90 के करीब तक दिखा गया, अरे कहा गया, मैं उंगली से यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा ऊपर नीचे चला जाता है ये, इसमें प्रोफाइल व्यू करके एक आता है, चलिए आई नहीं रहा पता नहीं क्यों, तो उसमें मेरा 98 था बस प्रोफाइल व्यू। तो अभी मैं ये चला गया 1400 के करीब, भाई ये तो कुछ भी चल रहा है, नेशनल सर्विस स्कीम आ गया। तो यहाँ पे मैंने आज ही ये चीज़ चेंज किया, इसमें पहले लिखा हुआ था शंघाई टनल इंजीनियरिंग करके, तो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, तो अभी इसको चेंज करके मैंने ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट करके बनाया। तो अभी माउस लेके आया हूँ, अभी दिखाता हूँ मैं, ये देखिए 1495 अभी प्रोफाइल व्यू भी चला गया, पता नहीं बाद में कितना तक जाएगा, उसका भी वीडियो डालेंगे मैं। ये सारे प्रोजेक्ट हैं मैं जो प्रोजेक्ट लाइफ में किया था, इनका वीडियो डालूंगा अलग से करके, कि प्रोजेक्ट लाइफ में मैंने क्या क्या किया, इंजीनियरिंग मैंने कैसा रहा, ये सब चीज़ें। तो ये मेरा फेसबुक है, ये भी सेम है यूज़र नेम, इसमें मेरा ये देखिए लाइक्स है इतना, और ये है मेरा फॉलोअर्स, और इसमें मैं एक्चुअली क्या डालता हूँ, जो यूट्यूब वाले वीडियो शूट करता हूँ मैं, और जितने भी इंस्टाग्राम में वीडियोज़ हैं सबको इसमें डाल देता हूँ, ज़्यादातर वीडियोज़ जो है और पोस्ट है इसके रिलेटेड ही है इसमें। अभी दिखाता हूँ मेरा ट्विटर, ट्विटर में ज़्यादा यूज़ नहीं करता ये, इसका भी यूज़र नेम सेम है, फॉलोअर्स बस 32 है बस इसमें। तो इसमें मैं नॉर्मली ऐसे ट्वीट करता रहता हूँ, इसमें एक लेटेस्ट ट्वीट है आप देख सकते हो, ये मैंने जून को किया था 15, जब इरादा बना लिया है ऊँची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का, तो इसको मैं पिन करके रखा हूँ इसमें, और बाकी तो ऐसे कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इसमें। तो इसका एक ऑर्गेनिक रीच भी बहुत ख़राब है ट्विटर का। तो अभी मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, टिकटॉक वाला जो मैं बोल रहा था, टिकटॉक वाला 2 अकाउंट था मेरा, एक अकाउंट फ्रीज हो गया था, ये पहला अकाउंट था दासमिन में 619, इसमें देखिए 21.1K फॉलोअर्स भी था, 21.4 था, ये अपडेट नहीं हुआ होगा इसमें। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा रीच कमा लिया था, 90 के ऊपर वीडियो डाल दिया था, ये तो पुराना वाला दिखा रहा है। और दूसरा अकाउंट बना उसके बाद ये फ्रीज होने के बाद, वो था इंजन डॉक्टर नाम से, इंजन अंडरस्कोर डॉक्टर। तो उस अकाउंट में मैंने बहुत ज़्यादा रीच गेन किया, 36 फॉलोअर भी हो गया, और ये सारा चीज़ किया मैंने 14 दिन के अंदर।
तो ये मेरा बहुत ज़्यादा बूम किया मुझे, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है सबका फॉलोअर्स बढ़ाया, ये सब चीज़ें हुआ इन सब से। अभी तो टिकटॉक बैन है, पता नहीं आएगा या नहीं, तो वो तो बात की बात है। और ये पॉडकास्ट भी मैंने स्टार्ट किया है, मैंने स्टार्ट किया है anchor.fm में, और ये यहाँ पे गूगल पॉडकास्ट में आ गया होगा ये, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो पॉडकास्ट में अभी तक मैंने 6 ऑडियो फाइल डाला है, ये देखिए, ये यहाँ पे 6 ऑडियो फाइल डाला है टोटल मैंने। तो ये सब चीज़ें भी मैं कर रहा हूँ अभी सारा चीज़, क्योंकि पॉडकास्ट मुझे पता है बाद में पॉडकास्ट का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसी कारण से ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। आप इन सब चीज़ों में जाके देख सकते हो मैं अभी कहाँ पे हूँ और कहाँ पे था मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ ये चीज़। तो अभी चलता हूँ दूसरे कैमरे में फिर से। तो आपने देख लिया होगा कि मेरा जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो क्या है, क्या क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ अभी। और दूसरा जो वीडियो था, मेरे अकाउंट में और एक वीडियो मिलेगा, इससे पहला वाला वीडियो वो तो बिल्कुल बेसिक था, उसमें लाइटिंग भी थी नहीं था, कुछ भी सही नहीं था उस टाइम पे, मैं इतना प्रोफेशनली शूट भी नहीं कर पाता था, और पहला वीडियो था शायद उस टाइम पे मेरे घर पे आने के बाद, तो डर भी रहा था कि लोग सुन ना ले इस रूम से ऐसा ऐसा चीज़। तो वो वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि मैं क्या कैसा मतलब चीज़ें बोल रहा था, क्या क्या चीज़ें करूँगा और दो महीने में। और मैं इसके लिए सबसे थैंक यू कहूँगा गैरी वी को, गैरी वी का जो चीज़ है कॉन्टेंट है उसके वजह से ही मैं ये चीज़ कर पाया हूँ। मतलब सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ और पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान दो। मतलब कंटेंट डालो ऐसे करने के लिए कि आप लोगों से एंगेज रहो, आपका नाम लोगों को याद हो कि ये बंदा इस काम के लिए जाना जाता है, ये मेन मोटिव है। तो इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ अभी, ज़्यादातर मैं ऑटोमोबाइल रिलेटेड डाल रहा हूँ, पता नहीं आगे जाके क्या होगा, और ज़्यादा मतलब चीज़ें डालने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आशा अगर पसंद आ गया तो वैसे बोलूँगा नहीं मैं कि सब्सक्राइब करो या कुछ करो, अच्छा लगा तो बाकी वीडियो ज़रूर देखना, आपको मोटिवेशन होगा इसमें, मेरे तो गारंटी है मोटिवेशन ज़रूर आएगा। और देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक आखिरी लाइन है वो बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। आखिरी में ये बोलूँगा, स्टे कनेक्टेड एंड डू चेक माई प्रोफाइल वेयर आई एम टूडे एंड वेयर आई वॉज बिफोर। थैंक यू।